मैंने तो मैं इतनी जोर से भी नहीं उछाला, अगर चप्पू को पता चला तो मुझे गरगोचों को चहलाने नहीं देगा। मैं झाड़ियों में जाके छिप जाऊं, मैं चप्पू को कह दूंगा कि तुम मुझे मरे हुए मिले थे। और चप्पू पिल्लों को बाहर निकाल के उनके कान खींचता है, उनके बालों में उंगलियां फेरता है, उसे हमेशा पता चल जाता है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वे इतने छोटे तो नहीं थे, तुम बड़े तो थे ना, उन्होंने मुझे कहा भी था, पर मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी मर जाओगे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें सूटकेस के बारे में किसी को मत कहना। आज शाम मैं यहाँ से भाग जाओ, अपना सारा सामान लेकर। अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने मना किया है। वो सारे लोग तो जुए मस्त है, जल्दी आने वाले नहीं, फिर तुम मुझसे बात करने में इतना डर क्यों रहे हो? नप्पू ने मना किया है। और ये हाथों में क्या है? मेरा बिल्ला, मेरा छोटा सा बिल्ला। तो ये तो मरा हुआ है। मैं इसके साथ खेल रहा था, इसने मुझे काटना था, मैंने इसे पीट दिया, पौधे मर गया। चिंता मत करो, ऐसे बिल्ले तो मारे मारे फिरते हैं। मर गया तो मर गया, मुझे इसकी चिंता नहीं है, जब्बू का डर है। चिंता मत करो, सारे लोग जुए मस्त है, तुम किसी को बताना मत। आज रात मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और बस मुंबई पहुंच जाऊंगी। जब्बू कहता है कि हम भी छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेंगे। मुझे ऐसे नहीं कहते, वैसे मैं अल्मोड़ा की हूँ, कहीं एक बार कोई कंपनी आई थी, एक आदमी से मैंने बात की, उन्होंने मुझे कंपनी के साथ घूमने फिरने के लिए बोला, पर मैं 15 साल की थी, इसलिए मेरी माँ ने मना कर दिया। अगर मैं चली जाती तो यहाँ पर कभी नहीं सड़ती। अगर मैं इसे गाड़ी ना फेंकूं तो हो सकता है कि कुछ गुस्सा ना करे। मैं जमीन में बोरे में चारा भर के खरगोशों को दिया करूंगा।
खरगोशों में ऐसा क्या है कि तुम पागल हो उनके लिए? मुझे मुलायम चीजों को चलाना अच्छा लगता है। हमने मेले में बढ़िया बढ़िया खरगोश देखे थे, बढ़िया बढ़िया। तो मैं चूहे भी चला लेता हूँ अगर कोई बढ़िया चीज ना मिले तो। तुम तो पागल हो। मैं पागल हूँ, जग्गू भी यही कहता है। मुझे मुलायम चीजों को अपनी उंगलियों से चलाना अच्छा लगता है। हर आदमी को ऐसा करना अच्छा लगता है। मुझे तो सिल्क और मकबर को महसूस करना अच्छा लगता है। तुम्हें मकबर को सहना अच्छा लगता है ना? हाँ, मेरे पास पहले टुकड़ा था, एक औरत ने दिया था, इतना बड़ा था वो, लेकिन अब नहीं है। तुम तो पागल हो पर बहुत ही बढ़िया, एकदम बच्चे जैसे। मुझे भी अपने बाल को सहलाना बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों के बाल बहुत कड़े होते हैं, जैसे कि बॉबी के। तुम भी मेरे बालों को छू कर देखो ना, कितने मुलायम है। तुम भी मेरे बालों को सहला के देखो ना। मुझे अपने बालों को सहलाना बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया है। अब बस करो, छोड़ो अभी, छोड़ो 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 छोड़ो। वो लोग उसे यहाँ लाए तो नहीं मानेंगे। लेकिन इसलिए
कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ चारा भी तो नहीं है। वो लोग सोते नहीं थे, मैं भी इसमें शामिल हूँ। सोते नहीं सर, सोते ही ना ये सब। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? एक काम हो सकता है, तुम मुझे बचा सकते हो तुम मुझे। तुम लोगों को बोल सकते हो कि मैं यहाँ आए नहीं, तुम बोलोगे नहीं सब बोलोगे ना मेरे लिए, पर मैं भी फंस जाऊंगा। करोगे ना? हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनो, दो तीन मिनट के बाद जोर जोर से चलाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें ये सब कुछ किया है ना? हर आदमी को पता था कि तू चीजों को तहस नहस कर देगी। तू अच्छी थी कब, बदमाश थी। मैं कुछ नहीं कर लेता, पानी देता, हम लोग कहीं भी जा सकते थे। और सभी में ये बड़ी सी अंगूठी के नीचे बैठे रहते, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। बॉबी, कैलाश, सुलेमान, जग्गू यहाँ आओ, देखो क्या हो गया। क्या हुआ? क्या है यार? हाँ? क्या हुआ जे? देगा।
मैं दूर चला जाऊंगा, दूर। मैं जब्बू को कुछ बताऊंगा ही नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। पर मुझे हमेशा पता चल जाता है, मुझे नहीं पता चल जाएगा, जब्बू को पता चल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब करके यहाँ पे छुपे हो तुम? तुम्हें कहाँ बोला था छुपने के लिए? बोलो, कहाँ बोला था? जाओ तुम झाड़ियों में छुप जाओ, भागो यहाँ से। पागल लोगी, नहीं छुपाओगे साला? बहुत साले, यहाँ तो बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। वो सामने गांव की सड़क है, वहां मेन रोड है, मैं बिखर जाना चाहिए। सुलेमान ठीक कहता है, हमें चारों तरफ बिखर जाना चाहिए। अच्छा होगा कि हम गांव की सड़क पर जाएं और उसे वहां जाके टूटे। और याद रखना, उस कमीने को देखते ही गोली मारना। ठीक है, मैं और जग्गू गांव की सड़क पर जाते हैं और तुम लोग मेन रोड पर जाओ। और इस जगह को याद रखो, जब हम बिखर जाएंगे यही मिलेंगे दोबारा। मुझे तो बस किसी तरह उस बदमाश को ढूंढना है। ढूंढो उस कुत्ते को, चलो जल्दी करो। तुम क्या चाहते हो कि माला करता हूं?
कल भी इसी तरह से आए और जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस को।